बाजार कोई फिर पर साफे उसी पगड़ी का रूप लेता है। लेकिन मंदिर से नामक युवक पगड़ी बांधने का स्टाइल एक अलग ही अपना चुका है, क्योंकि उसे न किसी आईने की जरूरत है ना ही किसी की मदद की, बस चाहिए पिछल की पगड़ी। आज की युवा पीढ़ी जो भूल रही है वो है अपनी संस्कृति और अपनी विरासत। आज की युवा पीढ़ी पर रंग चढ़ा है पश्चिम सभ्यता का, और पश्चिमी रंग में लगी ये पीढ़ी अपनी विरासत को जो भूल ही रही है, वहीं के पहनावे पर भी चढ़ चुका है पश्चिमी रंग। उन लोगों की भी कोई कमी नहीं जो अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है फिरोजपुर के गांव मल्लूवाला का रहने वाला मंजीत सिंह, जिसे न केवल पगड़ी बांधकर अपनी सरदारी को बरकरार रखा बल्कि वो आज युवाओं के लिए प्रेरणा बना हुआ है। दरअसल फिरोजपुर के गाँव मल्लूवाला में रहने वाला मंजीत सिंह स्कूली शिक्षा के दौरान पगड़ी बांधने के कारण अक्सर लेट हो जाया करता था। इस पर मंजीत की माँ ने उसे ताड़ा देते हुए कहा कि तुमसे अच्छे तो तुम्हारे बुजुर्ग थे जो चलते फिरते पगड़ी बांध लेते थे। और यही बात मंजीत सिंह के जहन में इस कदर घर कर गई कि उसने मन ही मन माँ को कुछ कर दिखाने की ठान ली, और फिर वो बन गया पगड़ी का माहिर। क्योंकि पगड़ी बांधना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो तरीका मंजीत सिंह ने अपनाया है उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या कोई इस तरीके से भी इस तरह की बेहतरीन पगड़ी बांध सकता है। अपनी माँ को कुछ कर दिखाने की इच्छा मन में लिए मंजीत बठिंडा में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आ गया। माँ द्वारा मजाक में किए गए ताने की बात मंजीत सिंह के लिए प्रेरणा बन गई और उसने पगड़ी बांधने में इस कदर महारत हासिल कर ली कि देखने वाले दंग रह जाएं। मंजीत सिंह ने पगड़ी बांधने का जो तरीका अपनाया है वो हर किसी को हैरत में डाल देता है। मंजीत सिंह से आज कई युवक पगड़ी बांधने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं मंजीत सिंह की पगड़ी बांधने की ये कला हर किसी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। शहर के युवाओं का एक बड़ा दायरा उससे पगड़ी बांधना सीख चुका है। ये तो थी मंजीत के लिए उसकी इस कला के लिए प्रेरणा बनी उसकी माँ की कहानी। देखिए उसके पगड़ी बांधने के इस अंदाज को कि किस तरह वो पगड़ी बांधने को लेकर इतना चर्चित हुआ, और भी देखिए मंजीत सिंह को जिसने केवल आईने के बगैर ही नहीं बल्कि आंखों पर पट्टी बांधकर पगड़ी बांधने में भी महारत हासिल की है। मंजीत जहाँ खुद के सर पर दस्तार को बखूबी अंदाज में सजा देता है, वही आंखों पर पट्टी बांधकर दूसरों के सिरों पर भी बेहतरीन अंदाज में पगड़ी बांध सकता है। यही पर बात नहीं, मंजीत के पगड़ी बांधने के एक और अंदाज को देखिए। बाइक पर सवार मंजीत सिंह को इससे चलती बाइक पर चंद पलों में ही बेहतरीन पगड़ी बांधी कि देखने वाले देखते रह गए। मंजीत के पगड़ी बांधने के स्टाइल की बात देनी होगी, उसके पगड़ी बांधने के निराले अंदाज से लोग हैरान रह जाते हैं। वही मंजीत सिंह उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है जो अपनी संस्कृति को भूलने जहाँ युवक बेहद पसंद करते हैं, वही मंजीत सिंह आज की युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहते हैं। संदेश देना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़े। मंजीत सिंह के मन में अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर गुजरने की ललक है और वो अपनी इस कला के जरिए सिक्खी का प्रचार प्रसार कर रहा है। मंजीत सिंह की दिली इच्छा है कि वो अपने इस टैलेंट को किसी बड़े मंच पर परफॉर्म करे ताकि युवाओं में पगड़ी बांधने का क्रेज बढ़ सके। वहीं मंजीत सिंह ने सिख युवकों द्वारा केश कत्ल करवाने पर अफसोस जताते हुए कहा कि ऐसे युवाओं को वो सिखी की ओर प्रेरित करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि पगड़ी से किस तरह युवकों की सरदारी झलकती है। मंजीत सिंह का कहना है कि जिस तरह प्रत्येक शहर में सैलून खुले हैं उसी तरह शहरों में पगड़ी अकेडमी भी खुलनी चाहिए ताकि सिखी फल फूल सके। बठिंडा से अमित शर्मा, MH1 न्यूज़।